इधर यूपी के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम हरिद्वार पहुंचे, उन्होंने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। जितने देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं वो उस यात्रा में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में शामिल होते हैं। जितने लोग देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं वो किसी ना किसी रूप में उस यात्रा में शामिल होते हैं। जिसमें देश के गद्दार लोग शामिल होते हैं, जिसमें देश के को तोड़ने वाले, जो JNU में आपने पीछे देखा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के जितने लोग थे वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। शर्म की बात है कि इस तरीके की यात्रा को हम लोग भारत जोड़ो यात्रा का काम है। वहीं संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार हल्द्वानी पहुंचे और जबरन धर्मांतरण को लेकर इंद्रेश कुमार ने कहा कि इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। मानव जाति के विरुद्ध, मजहब के विरुद्ध क्रूर अपराध मानकर इससे मुक्त मानव जाति हो, इससे मुक्त हर धर्म बने, इससे मुक्त। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। समाज हो इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए। अगर कोई उन कानूनों का विरोध करता है तो मान लेना चाहिए वह ईश्वर और खुदा विरोधी है, गॉड विरोधी है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर उधम सिंह नगर पुलिस ने योजना बना ली है। नए साल को देखते हुए नैनीताल जाने वाले टूरिस्ट के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान तैयार किया है। देहरादून की तरफ से आने वाले वाहनों को नैनीताल जाने के लिए रामनगर होते हुए भेजा जाएगा। बरेली लखनऊ की तरफ से आने वाले लोगों को किच्चा पंतनगर लालकुआं होते हुए नैनीताल भेजा जाएगा। इधर रुद्रप्रयाग की रहने वाली तनिष्का का चयन दिल्ली राज्य स्तरीय अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम में हुआ है। तनिष्का ने दिल्ली राज्य स्तरीय अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम में बतौर फास्ट बॉलर क्वालिफाइड किया है और ये सफलता उनके परिवार के लिए तो है ही, लेकिन रुद्रप्रयाग जिले और उत्तराखंड के लिए भी एक गर्व की बात है और जल्द ही वो स्टेट लेवल के अंडर 15 टूर्नामेंट में दिल्ली स्टेट की तरफ से खेलेंगे। इधर पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी है और इस वजह से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल में बने टॉयलेट की स्थिति काफी खराब है और इस वजह से छात्राओं को परेशानी होती है। इस बारे में जब शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि त्रिपाली स्टैंड स्कूल के लिए 5 शौचालय स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिसमें से 3 शौचालय छात्राओं और 2 शौचालय छात्रों के लिए है। 5 शौचालय लड़कियों के लिए दे दिए हैं और 2 शौचालय लड़कों के लिए दे दिए हैं और बहुत अच्छा वो जो है कस्तूरबा गांधी स्कूल है हमारा और सारी व्यवस्था बहुत अच्छी, वहाँ पानी भी दे दिया हमने, बच्चों के लिए खेल का भी सामान दे दिया और अब 2 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे हॉस्पिटल भी बन रहा है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।